एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है द परिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। हमें जो है रेक्टेंगल का परिमीटर गिवन है 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, अब हमें जो है 30 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ गिवन है। परिमीटर गिवन है 130 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है कितनी 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की। ऑल्सो फाइंड द एरिया, और एरिया जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हमें कि हमें जो है गिवन क्या है। हमें गिवन है परिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमें जो है परिमीटर गिवन है कितना 130 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ब्रेथ हमें गिवन है। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें पता है कि जो परिमीटर होता है रेक्टेंगल का, परिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू टू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो परिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमें गिवन है 130 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू टू, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ हमें गिवन है 30। तो हमें परिमीटर ब्रेथ गिवन है तो हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 130 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एल प्लस 30। अब 2 के टेबल में 130 कब आता है, 12 आता है 6 पे, 13 माइनस 12 हो गया 10 बन गया, 10 कब आता है 5 पे, ठीक है। सो हमें जो है जो डिवाइड करते हैं वो हम क्या करेंगे, ओरली करेंगे। ओके, सो ये आगे 65 विच इज इक्वल टू एल प्लस 30। यहाँ पे प्लस 30 हो रहा है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 30। सो एल इज इक्वल टू 65 माइनस 30, सो 65 माइनस 30 कितना हो गया 35। सो एल क्या आ गया हमारे पास 35 सेंटीमीटर। ओके, सो जो हमारे पास लेंथ आई रेक्टेंगल की वो कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। अब जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें जो है एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमने फाइंड आउट करी 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब आप देखो 0 एज इट इज, अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 हो गया 15, 1 कैरी, 3 3 से 9, 9 प्लस 1 क्या हो गया 10, 100 क्या आ गया 5। सो हमारे पास जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 1050 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हमें अगर परिमीटर गिवन है या वन ऑफ द डायमेंशन गिवन है रेक्टेंगल की, तो हम जो है एरिया रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो उसकी अदर डायमेंशन है वो भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक वॉल में जो है डोर को फिट किया है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, और ब्रेथ कितनी है, 1 मीटर है। ओके, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर। अब जो वॉल है उसकी जो लेंथ हमें गिवन है, जैसे ये वॉल है इसकी हमें जो है लेंथ गिवन है कितनी, 4.5 मीटर। ओके, और जो ब्रेथ हमें गिवन है वो है 3.6 मीटर। ऐसी जो डोर है उसकी जो लेंथ हमें गिवन है वो है 2 मीटर, और जो ब्रेथ है वो हमें गिवन है 1 मीटर। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 per meter square। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है।
हमें गिवन है लेंथ ऑफ द वॉल, वॉल की हमें जो है लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ अ वॉल विच इज इक्वल टू 4.5 मीटर. फिर हमें गिवन है ब्रेथ ऑफ अ वॉल, ब्रेथ ऑफ अ वॉल विच इज इक्वल टू 3.6 मीटर. फिर हमें गिवन है लेंथ किसकी, डोर की, लेंथ ऑफ अ डोर, डोर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है कितनी, 2 मीटर. और फिर उसके बाद हमें गिवन है ब्रेथ ऑफ अ डोर, ब्रेथ ऑफ अ डोर हमें गिवन है 1 मीटर. अब हमें जो है कॉस निकालनी है व्हाइट वॉशिंग द वॉल. अब व्हाइट वॉशिंग द वॉल, अब वॉल को व्हाइट वॉश जो है इतना ही करेंगे ना, डोर को तो व्हाइट वॉश करेंगे नहीं, वॉल को व्हाइट वॉश करना है. सो अगर हम कॉस निकालने के लिए कि हमारा जो है व्हाइट वॉश में, हमें जो है वॉल को व्हाइट वॉश करने में हमारे कितनी जो है कॉस्ट लगेगी, उसका निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है एरिया निकालना है, एरिया निकालना पड़ेगा जितना हमें जो है वॉल को जो है व्हाइट वॉश करना है. सो एरिया कैसे निकलेगा कि जो वॉल का एरिया है उसमें से अगर हम डोर का एरिया अगर माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा जितना हमें जो है वॉल को व्हाइट वॉश करना है ना. तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ द वॉल. एरिया ऑफ द वॉल रेक्टेंगल की शेप में है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सो 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.6 मीटर. अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम ले लेते हैं ये 45 और ये ले लेते हैं 36. मल्टीप्लाई 6 5 जा हो गया 30, सो 0 हियर, 3 कैरी, 6 4 जा 24 एंड 24 प्लस 3 हो गया 27. ठीक है, 3 5 जा हो गया 15, 5 हियर, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 हो गया 13. अब ऐड करेंगे 0, 7 प्लस 5 हो गया 12, 2 हेयर, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 हो गया 6 एंड 1. यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था. अब पॉइंट के बाद जो है 1 डेसिमल एक डिजिट है और पॉइंट के बाद जो है एक और डिजिट है, तो 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट. तो हमारा आ गया 16.20 मीटर स्क्वायर. अब इसी तरीके से हम जो है एरिया फाइंड आउट करेंगे ऑफ द डोर. एरिया ऑफ द डोर क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सो 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर विच इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ द वॉल टू बी व्हाइट वॉश विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर. एरिया ऑफ द वॉल कितना है 16.20 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द डोर कितना है 2 मीटर स्क्वायर. अब माइनस करेंगे तो देखो 16.20 माइनस 2, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0, 2.2 माइनस 0, 2, डेसिमल पॉइंट 6 माइनस 2, 4 एंड 1, तो हमारे पास आ गया 14.20 मीटर स्क्वायर. अब हमें गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 20. सो अगर 1 मीटर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20. सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 14.20 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹20 मल्टीप्लाई बाय 14.20. अब हम देखो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो हो गया 1. अब 2 डिजिट्स हैं तो 20 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 142 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 284. तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 14.20 मीटर स्क्वायर कितनी आ गई, 284. ओके, तो इस तरीके से हम जो है कॉस्ट निकालेंगे कि हमें कितना जो है एरिया, हम कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे कि जितना हमें वॉल को जो है व्हाइट वॉश करना है, और उसके बाद जो हमें 1 मीटर स्क्वायर का गिवन है उससे जो हमें जो एरिया आया उसको जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.